नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी। अगर बात की जाए किस तरीके से राजस्थान के चुनाव में क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है और किस तरीके से कार्यकर्ताओं के भाव हुए, अगर बात करें तो आज जो कांग्रेस से जिस तरीके से यहां से उदयलाल आंजना को रिपीट किया गया, तो वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद जी को यहाँ पर मौका दिया गया, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या मन के भाव हुए और किस तरीके से हाल ही में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनसे पहले जानेंगे किस तरीके से कांग्रेस में जो है वो आए, क्या मूड उनका है, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आप आए क्या मूड था। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का ही था, 5 साल पहले कुछ मन मुटाव के कारण मैं कांग्रेस में गया था, लेकिन मैंने वहाँ जाकर देखा लोगों की जमीन हड़पना, लोगों के साथ अत्याचार करना, लोगों को भाई भाई को आपस में लड़ाना, मतलब जो वहाँ चल रहा था, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस में जाकर अपने आप को सफिशिएंट महसूस नहीं कर सकता है। वहाँ पे तो बस ये है कि गुंडा राज चरमत है, जिस तरह से हत्याएं हुई है, मैं हर हत्या का षड्यंत्रकारी विक्रम आजना जिन्होंने ये हत्या करवाई, और मैंने ये आरोप मैंने मेरे छोटे भाई के साथ भी अभी थोड़े दिन पहले मारपीट हुई है, जिसकी 12 लाख में विक्रम आजना सुपारी दी, मैंने इसका हाईकोर्ट तक उसका लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैंने इसको जब तक थाने में जाकर पूरा थाना क्या प्रशासन पूरा मिला हुआ है, कोई कार्रवाई किसी भी कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही थी। अभी भी बंटी आजना का भाई घनश्याम आजना छोटी साड़ी जेल के अंदर बंद है, उसको लोग उसके परिवार से मिलना नहीं दिया जा रहा है। इससे प्रताड़ित होकर आपने भारतीय जनता पार्टी, मेरे रग 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 में भारतीय जनता पार्टी का फोन है, मैं मेरे बाप दादा ही जनसंघ के परिवार से जनसंघ से जुड़े हुए, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने इनके खिलाफ खूब लड़ाई लड़ी है पोलिंग पे, इन्होंने ये मेरे को मारपीट मेरे साथ, इन्होंने पहले भी जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था तब इन्होंने पोलिंग पे मेरे साथ बहुत सारी मारपीट की है, लेकिन ऐसे मैंने ऐसा नहीं था कि, लेकिन जब मैं अंदर गया और देखा तो मैंने कहा तो इससे बड़ा पापी और इससे बड़ा दुष्ट व्यक्ति को हो नहीं सकता, इसलिए इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और इस गुंडा राज को खत्म करके ही रहूंगा। क्या कहेंगे, किस तरह माहौल है भारतीय जनता पार्टी का? एक तरफा माहौल है, कोई टक्कर ही नहीं। क्यों, कारण क्या है? बस कारण तो ये भ्रष्टाचार, मेन भ्रष्टाचार, और कभी जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ भी सरपंच हैं उनके वहाँ पे कुछ बजट दिए ही नहीं, दिया तो ऐसे दिया जैसे ऊपर से गिरा खजूर पर अटका, जैसे कनेरा पंचायत में दिया जैसे तो पंचायत समिति एजेंसी कर दी और उस काम को ही लटका दिया, और जो काम हो ही नहीं उनका भी लोकार्पण उद्घाटन कर दिया, जैसे आज हमारे यहाँ पे उप तहसील बनी है, वो कागजों में तो 3 साल से चल रही है, लेकिन जमीन धरातल पे जो है आज उनको कुछ काम हुआ ही नहीं, और न तो वहाँ रजिस्ट्री भी यहाँ निम्बड़ा आना पड़ रहा है सबको, और सभी लोग वहाँ पूरा कनेरा घाटा क्षेत्र उनसे दुखी है। क्या कहें, क्या माहौल बन रहा है इस बार? इस बार बीजेपी का पूरा माहौल है। क्यों, कारण क्या? कारण क्या, अलॉटमेंट के नाम पे भ्रष्टाचार बहुत हुआ, रोड बने जो 5 दिन नहीं चले रोड, इसको अब की बार क्या भाजपा सरकार बिल्कुल एक तरफा जीतेगी? क्या कहेंगे आप, युवा है क्या है? जिस प्रकार से जो माहौल निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लग रहा है आज, जिस प्रकार से चित्तौड़ जिले की 5 सीटें और निम्बाड़ा विधानसभा तो जीतेंगे, और जीत भी वो होगी, 1947 से आज दिन तक जो जीत नहीं हुई वो निम्बाड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता रिजन जी कृपलानी साहब विधायक बनकर जयपुर जाएंगे, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि आज यह हॉस्पिटल है, आज बाइक चोरी होती है, आज 2 बाइक प्रतिदिन, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज बाइक चोरी में, आज कोई हॉस्पिटल में कांग्रेस के राज का तोहफा, बहुत बड़ा तोहफा जनता को मिला है, आज कोई इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल आता है बाइक चोरी हो जाती है, आज यहाँ पर देखा होगा विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं है, हमारी सरकार ने और हमारे नेता श्रीचंद जी ने 2700 करोड़ रुपए का विकास कार्य निम्बाड़ा में करवाया, आज जिस प्रकार से देखा होगा कि यह केवल और केवल बैनर और पोस्टर की राजनीतिक होती है, निम्बाड़ा से मंगलवार सड़क इन्होंने बड़े बड़े ढिंढोरे पीट दिए, कहा कि हम सड़क स्वीकृत करवा रहे, हम ये करवा रहे, लेकिन अभी तक एक कुंकली भी नहीं लगी और बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए, आज सिटी स्कैन मशीन निम्बाड़ा में जिस प्रकार से इन्होंने ढिंढोरा पीटा, कहा कि हम सिटी स्कैन मशीन देंगे, आज जनता परेशान है, आज इलाज करवाने के लिए चित्तौड़ जाना पड़ता है, उदयपुर जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है, लेकिन आज निम्बाड़ा में हॉस्पिटल के नाम पर 0 व्यवस्था है, आज आप देखिए हॉस्पिटल में जाकर आज 1 बेड में 2 मरीज इलाज करवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो क्या ये निम्बाड़ा की जनता इसलिए 18 में इनको चुना था? बड़ी बात कही, बड़ा आक्रोश भी तुम्हें, साथ ही हम बात करेंगे और भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बैठे, उनसे माहौल जानने की कोशिश करेंगे, क्या माहौल है, क्या कहेंगे? माहौल है बढ़िया माहौल है, छोटी साड़ी का मंडल अध्यक्ष हूँ मैं, बढ़िया माहौल है, और छोटे छोटे बच्चों को कांग्रेस दारू पिला के बिगाड़ रही है, उनके माता पिता को सब पता है, हमारे अंडरग्राउंड वोटिंग बहुत अच्छी होगी बीजेपी के पक्ष में। क्या कारण, क्या मानते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया और जो कांग्रेस ने काम किया, कितना अंतर मानते हैं आप? कांग्रेस ने क्या काम किया, मर्डर का किया, लोगों को दारू पिलाने का किया, क्या काम किया आप बता दो, उनके उदयलाल जी के घर जाने का रोड किया, क्या 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 काम किया, मेरे को ध्यान में नहीं है क्या कोई काम हुआ हो, हमारी ग्राम पंचायत में हमारे सरपंच साहब ने काम किया,
तो उदयलाल जी ने क्या किसी प्रधान ने वहाँ काम नहीं कराया? एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर किसानों का है, साथ ही अगर बात करें डोला चूरा में तोड़ भट्टे का मुद्दा है, कमीशन का एक बड़ा मुद्दा है, क्या मानते ही है? हाँ मैं मानता हूँ, हमारे गांव सिंबाड़ा में लगभग 3 करोड़ रुपए कमीशन के गए, ऐसे छोटी छोटी तहसील में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फंसाया गया जबरदस्ती, उनके लोगों से कमीशन खाया उन्होंने, तो दूसरी क्या बात करें। बड़ी बात का ये है कि बड़ा आरोप इन्होंने लगाया कि कांग्रेस में ही जिस तरीके से स्त्रियां बनी हुई उसे लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है दिखती हुई दिख रही है। साथ ही अगर बात करें तो पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान चुनाव को लेकर। आज हम निम्बाड़ा सीट पर पहुंचे थे, यहाँ पर किस तरह की स्थिति, यहाँ से अगर बात करें तो कांग्रेस ने फिर से जो मंत्री है उदयलाल आजना को यहाँ पर रिपीट किया है। साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व मंत्री रह चुके श्रीचंद कपलानी, उनको यहाँ पर रिपीट किया गया, यहाँ उतारा गया। जैसे बात करें तो ये हाई प्रोफाइल सीट और यहाँ पर कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो सकता है।